हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे इस वीडियो में जब महिलाओं को पीरियड्स के दौरान अधिक ब्लीडिंग होती है तो वो बहुत परेशान होती हैं, तो उसको हम कैसे घर पर ही सही कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। इसे पीरियड के दौरान हेवी ब्लीडिंग मीन्स अत्यधिक ब्लड से है परेशान, तो अपनाएं घरेलू नुस्खे। हाई ब्लीडिंग इन मेंस्ट्रुअल पीरियड। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग उनमें से एक कारण है। पीरियड्स के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग हो और यह कई दिनों तक भी रहे तो सावधान हो जाएं। हम आपको कुछ नेचुरल तरीके बता रहे हैं जिनसे आप हेवी ब्लीडिंग रोक सकती हैं। पीरियड्स महिला में होने वाली एक स्वाभाविक और नेचुरल प्रक्रिया है, लेकिन अगर यह ज़्यादा हो तो टेंशन हो जाती है। कई महिलाओं और लड़कियों में पीरियड्स के दौरान इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है कि उन्हें दिन में कई बार पैड्स और कपड़े तक बदलने पड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इस बारे में तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। हर महीने महिलाएं भावनात्मक बदलावों के दौर से गुजरती हैं, उस पर पीरियड्स यानी महामारी का उनके दिलों और दिमाग पर भी असर पड़ता है। पीरियड्स के लक्षण अक्सर उन्हें परेशान करते हैं, कभी कभी तो इन्हें सहना भी मुश्किल हो जाता है। और अगर इन सब के साथ हेवी फ्लो है, अत्यधिक ब्लीडिंग है, तो परेशानी और अधिक बढ़ जाती है। अगर आपको एक दो घंटे के अंदर पैड बदलना पड़ रहा है या आपके पीरियड्स एक हफ्ते से ज़्यादा समय तक रहते हैं तो यह हेवी ब्लीडिंग माना जाता है। अक्सर फाइब्रॉइड, रसौली ट्यूमर जैसी कई बीमारियों के कारण पीरियड्स में हेवी ब्लीडिंग, अत्यधिक ब्लीडिंग होती है। हालांकि कुछ लड़कियों में हेवी ब्लीडिंग का कारण कुछ समय के लिए हार्मोन में होने वाला बदलाव भी हो सकता है। ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण आयरन की कमी, जब ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो कुछ कारण होते हैं जैसे आयरन की कमी या सर्वाइकल पॉलिप, सर्वाइकल में कोई इन्फेक्शन या कुछ भी है, ल्यूपस या हार्मोन में होने वाला बदलाव या फाइब्रॉइड, रसौली, ये कई कारण हो सकते हैं जिनके कारण अत्यधिक ब्लीडिंग होने लगती है। इन सुझावों से ले सकती हैं मदद, जैसे सही सैनिटरी पैड को चुनना, महामारी के दौरान हाइजीन पर विशेष ध्यान दें। हाइजीन मतलब साफ़ सफाई को ज़्यादा ध्यान दें। अपने आहार में आयरन शामिल करें। ज़्यादा ब्लीडिंग रोकने के घरेलू तरीके। अगर आपको कुछ दिनों के लिए हेवी फ्लो रहता है, अत्यधिक ब्लड ब्लीडिंग रहती है, तो आप में खून की कमी हो सकती है। ऐसे में सामान्य से 4 से 6 कप ज़्यादा पानी पिएं। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का इस्तेमाल करें, जैसे इलेक्ट्रॉल वगैरह। ज़्यादा पानी को संतुलित करने के लिए आहार में नमक की मात्रा बढ़ाएं, नमक थोड़ा ज़्यादा खाएं। 1 कप उबलते पानी में दालचीनी की 1 सिटक द्वारा तैयार चाय पीरियड्स में होने वाला हेवी ब्लीडिंग के लिए बहुत ही प्रभावी घरेलू उपाय है। आप वैकल्पिक रूप से इसमें दालचीनी के छाल से निकली कुछ बूंदों को भी मिला सकती हैं। दिन में 2 बार इसका सेवन करें, हेवी ब्लीडिंग को रोकने में मदद करता है। कुछ मिनट पानी में अदरक को उबालकर तैयार मिश्रण पीरियड्स में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग को रोकने में मदद करता है। ये इस मिश्रण को आप चीनी या शहद की मदद से मीठा भी कर सकती हैं। इस मिश्रण को
आप भोजन करने के बाद दिन में 3 बार ले सकती हैं। विटामिन सी से भरपूर चीज़ें खाएं। यह विटामिन शरीर में आयरन को सोखने में मदद करता है, मतलब एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। आप नींबू, आंवला, संतरा और अंगूर जैसे खट्टे फल और सब्जियां खा सकते हैं। कीवी, ब्रोकली, टमाटर और स्ट्रॉबेरी में भी विटामिन सी होता है। रोजाना एक वक्त का खाना लोहे के बर्तन में पकाकर खाएं, ताकि आयरन की प्रचुर मात्रा शरीर के अंदर जा सके। जैसे सब्जी वगैरह जो है लोहे की कढ़ाई में बनाना चाहिए। और धनिया जो होती है महिलाओं में पीरियड्स से संबंधित समस्याओं को दूर करने में बहुत मदद करता है। अगर पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग अधिक या नॉर्मल से भी ज़्यादा होता है तो आधा लीटर पानी में लगभग 6 ग्राम धनिया के बीज डालकर उबालें और उसमें शक्कर मिला लें। पीरियड्स के दौरान इस गाढ़े का सेवन हैवी ब्लीडिंग को रोकने के सबसे अच्छे घरेलू उपचारों में से एक हैं। दोस्तों, यह सामग्री या यह जानकारी केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योगी चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर से सलाह लें। थैंक यू।